वेल गाइज वेलकम टू WWE। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े न्यूज आ रही है सामने कि विंस मैकमैन नहीं रहे हैं WWE के CEO और उनकी जगह उनके डॉटर यानी कि स्टेफनी मैकमैन बन चुकी है WWE के न्यू CEO। तो क्या है पूरी अपडेट जाने इस वीडियो में, तो ये वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो विंस मैकमैन से रिगार्डिंग पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, यानी कि एक दो दिनों से क्या चल रहा है वो बात तो आपको पता चली गई होगी। उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही थी कि विंस मैकमैन को उनके जॉब से हटाया जा सकता है, विंस मैकमैन को उनके जॉब से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन अब अपडेट ये आई है कि विंस मैकमैन CEO नहीं रहे हैं WWE के, उनकी जगह न्यू CEO जो बनी है वो है उनकी डॉटर यानी कि स्टेफनी मैकमैन। स्टेफनी मैकमैन न्यू CEO बन चुकी है। मैं आपको बता दूं कि स्टेफनी मैकमैन परमानेंट CEO नहीं है, वो कुछ समय के लिए यानी कि टेम्पोररी ही सिर्फ CEO है, उसके बाद फिर से विंस मैकमैन आ जाएंगे। जब से ये उनका जो मामला चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद विंस मैकमैन वापस आ जाएंगे, यानी कि कुछ समय के लिए तो स्टेफनी मैकमैन ही WWE की CEO होने वाली है। अरे काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने स्टेफनी मैकमैन को CEO बनाया है, ना कि निक खान को। अगर निक खान को उन्होंने CEO बनाया होता तो वो तो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को रिलीज ही कर देते, आज ही वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को रिलीज कर देते, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने ऐसा नहीं। भले ही कुछ समय के लिए स्टेफनी मैकमैन CEO बनी हो, लेकिन हम इस उम्मीद लगा सकते हैं कि बाकी सुपरस्टार की बुकिंग अच्छी हो सकती है अब, जिनकी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही थी इसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि निक खान को न्यू CEO नहीं बनाया गया, भले ही टेम्पोररी रूप में हो, लेकिन स्टेफनी मैकमैन एक अच्छी CEO साबित हो सकती है। तो गाइस आप इस शॉकिंग न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों।